जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस के चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक घायल सहित तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी की घटनाओं से संबंधित 22,200 रुपए नकदी भी बरामद किया गया। इसके अलावा सफेद धातु के आभूषण, चोरी की एक बंदूक सहित दो बंदूक और अवैध असलाहा बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम शहजाद पुत्र बाबू, जो घायल हो गया है, वहीं दूसरा आरोपी है आसिम पुत्र आरिफ, वहीं तीसरा आरोपी है परवेज उर्फ परवेज पुत्र अशान अल्लाह। बताया जाता है कि जिनके द्वारा थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में तीन चोरी की घटना और जनपद बुलंद शहर से एक बंदूक चोरी करने की घटना करना स्वीकार किया गया है। कारी नईम के साथ दिलशाद अहमद की रिपोर्ट। आज थानागढ़ मुक्तेश्वर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है तथा दो अन्य की भी गिरफ्तारी की गई है। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इनके कब्जे से थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर से चोरी गई एक लाइसेंसी टीवी वी एल गन बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त एक अवैध बंदूक भी बरामद हुई है तथा अवैध तमंचा व खोखा कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जा रही है।